नमस्कार, मैं अमरेंद्र तिवारी ऑल टाइम पब्लिक इंडिया पे आप सभी का स्वागत करता हूं। जब पूरा देश इस वक्त कोरोना से लड़ाई में लड़ने में हर ओर से लगा हुआ है, तो इस वक्त झारखंड के गोड्डा जिला के अंतर्गत जो अलग अलग जगहों पर सांसद निशिकांत दुबे के द्वारा भी छिड़काव, उनके लगातार प्रयास से, अथक प्रयास से ईसीएल के द्वारा लगातार छिड़काव भी कराया जा रहा, चाहे बसंतराय हो चाहे पथरगामा हो। इस क्रम में बलबड्डा में भी छिड़काव का कार्यक्रम कराया गया। इस अवसर पर हमने बात की बीजेपी समर्थक और युवा नेता प्रणव सिंह से, उन्होंने क्या कहा इस पूरे छिड़काव कार्यक्रम को लेकर, आइए आपको सुनवाते हैं। हमारे साथ इस वक्त बीजेपी के समर्थक और युवा नेता प्रणव सिंह जी जुड़े हुए हैं। ये बताइए सर कि जो बलबड्डा के आसपास के इलाकों में छिड़काव किया जा रहा है, इसको लेकर क्या सूचनाएं मिल रही है? सांसद जी के माध्यम से पूरे गोड्डा लोकसभा में जगह जगह पे स्वच्छता को लेकर के यह छिड़काव कराया जा रहा है। आज बलबड्डा पूरे बाजार और जो है घनी आबादी वाले क्षेत्र में जो है आज ईसीएल के द्वारा धुओं के माध्यम से जो कीटनाशक धुआं से जो सो पूरे वातावरण में जो स्वच्छता को लेकर के कार्यक्रम किया गया। जो जो झारखंड सरकार जो इस वक्त काम कर रही है सर, जो दाल भात केंद्रों या अलग तरीके से जो मदद पहुंचाने की कोशिश हो रही है, वो किस तरीके का काम कर रही है? आप लोग जो है लगातार अपने इलाकों में भी देख रहे हैं, क्या सरकार की जो सुविधाएं वो इलाकों तक, गरीबों तक पहुंच रही है? इस कोरोना की लड़ाई में जो है पूरी तरह से जमीनी स्तर पर हमारे अकेले सांसद जी निशिकांत दुबे जी जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरे शासन की व्यवस्था, आर्थिक एवं स्वच्छता को लेकर के जिस दिन लॉकडाउन शुरू हुआ दूसरे ही दिन से हमारे सामान्य सांसद जी जो है इस कार्य में जो सो लग गए और अनवरत लगातार जो है सो गरीब मजदूर फंसे हुए लोग को जो सो राशन की मुहैया कराना, उसके तक जो सो आर्थिक लाभ पहुंचाना जो सो यह लगातार चल रहा है। और वहीं पे दूसरी तरफ अच्छा, एक प्रश्न यहाँ पर सर उठ रहा है, प्रणव जी एक प्रश्न उठ रहा है कि ये सरकारों की पोल खुल रही है, जितने प्रवासी मजदूर बाहर हैं, चाहे यूपी हो चाहे बिहार हो चाहे झारखंड हो, क्या अब तक सरकारों ने कोई खास जो है इस दिशा में काम नहीं किया? आपको लग रहा है कि मजदूरी करने के लिए लोग बाहर जा रहे हैं, राज्य के अंदर जो है इस तरह की सेवा होना अभी तक नहीं सुविधाएं बढ़ पाई है कि लोग यहाँ पर कमा खा सकें? स्थिति में जो सो अपने आप को एक सजग जो सो सरकार के रूप में जो सो वह नहीं उभर पा रही है। इसके मंत्री खुद आलमगीर आलम जैसे मंत्री, आपके जो है हाजी हुसैन अंसारी जैसे मंत्री जो है इस कोरोना जैसे महासंकट की घड़ी में लॉकडाउन को जो सो धज्जी उड़ाया, ठीक है, और जिसके कारण आज झारखंड के साथ साथ पूरे देश की स्थिति जो सो खराब है, ये सिर्फ जो सो झारखंड सरकार के महागठबंधन की सरकार के कारण। लेकिन आलमगीर आलम साहब के तरफ से ये कहा गया था कि योगी आदित्यनाथ जी जो है बसों में भरकर मजदूरों को बिहार और झारखंड के बॉर्डर तक पहुंचाने की व्यवस्था करते हैं, इस पे आपका क्या कहना है? जब केजरीवाल सरकार ने दिल्ली से मैं अचानक रातों रात जब घर से जो सो मजदूरों को अनाउंसमेंट करके जब निकाल करके जब उसको अचानक जो सो टर्मिनल तक जो सो छोड़ने का काम किया, तो जो सो योगी जी ने जो है अपनी उदारता दिखाते हुए पूरे जो सो मजदूरों को जो है यूपी बॉर्डर पर लाने का उन्होंने अनुरोध किया। उन्होंने यह केजरीवाल को यह कहा कि आपको यदि निकालना ही है तो आप जो सो यूपी बॉर्डर तक जो सो इन लोगों को छोड़ दीजिए, और वहाँ पे योगी सरकार ने
पूरे जितने भी वहाँ पे मजदूर लोग थे सारे लोगों को क्वारंटाइन करने के लिए जो सो व्यवस्था किया, करीब 1.5 लाख मजदूरों को खाने की व्यवस्था अचानक जो सो योगी सरकार ने कराया है। यह तो जो सो विपक्षियों का, कांग्रेस का और जो सो गठबंधन सरकार का जो सो यह पुरानी नीति रहा है, जब वह इस चीज में सामर्थ्य नहीं हो पाता है तो वह जो सो आरोप प्रत्यारोप कटाक्ष जो सो मारते हैं। अभी आप देखिए ये मानते हैं कि नहीं, ये वक्त राजनीति का नहीं है, ये वक्त सभी को एक साथ मिलजुल कर काम करने का है। इस वक्त यह संदेश जो सो बार बार जो सो यह हो रहा है कि आओ मिलकर जो सो दीप जलाने का यही मकसद ही था कि जो है आओ हम सब मिल करके जो सो इस कोरोना संक्रमण की बीमारी से जो सो लड़े और घर बैठ कर इस लड़ाई को जीते। इसमें तो जो सो कहीं हम लोग जो है आरोप प्रत्यारोप और जो सो कहीं किसी को छोड़ने की बात हमारी सरकार कर ही नहीं रही। आज हमारे सांसद जी मदद पहुंचा रहे हैं तो ये पूछ करके नहीं पहुंचा रहे हैं कि तुमने वोट जो सो भाजपा को दिया था, हमको दिया था या किसको दिया था। वह गोड्डा लोकसभा का है या राजमहल लोकसभा का है या फिर जो सो किस लोकसभा का है, उससे कोई लेना देना नहीं है। उनके फेसबुक के मैसेंजर पे जो सो जिनका अभी मैसेज जा रहा है मदद के लिए, उनको तक जो सो मदद पहुंचाया जा रहा है या पूछा ही नहीं जा रहा है कि तुम जो सो किस जाति से हो, किस धर्म से हो, किस पार्टी से हो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रणव जी बातचीत करने के लिए ऑल टाइम पब्लिक इंडिया से।